हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। जिस स्टॉक को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, इस स्टॉक का नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स। स्टॉक में गाइस हमें 2 वीक्स पहले न्यू हाई रिकॉर्ड होते हुए दिखाई दिया था गाइस 1125 रुपीस का लेवल, जिसके बाद स्टॉक में हमें डाउन साइड में करेक्शन देखने को मिल रही थी, जिसके बाद स्टॉक में हमें 960 रुपीस के लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिला था। जिस लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में आज हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक में हमें 1000 रुपीस तक के लेवल खास देखने को मिले हैं, जिसके चलते स्टॉक में आज हमें 4% तक की रैली देखने को मिल रही है। अब स्टॉक में इस रैली के चलते गाइस हमें जल्दी स्टॉक का प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है, जिसके बाद गाइस हमें बहुत ही शानदार मूव देखने को मिलेगी, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को गाइस 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर, इसमें जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिला है 959 रुपीस के लेवल पर देखने को मिला है। अब स्टॉक में अपने टारगेट की बात करेंगे, स्टॉक के प्रीवियस हाई तक प्राइस रेंज टूल की मदद से देखा तो गाइस हमें 13% तक के टारगेट इसके प्रीवियस हाई तक देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक अगर इस रेंज को ब्रेक करके इसके वापस सस्टेन कर जाता है गाइस आने वाले 102 वीक्स के बीच में, तो गाइस इसके बाद जो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के प्रीवियस सपोर्ट लेवल से लेकर स्टॉक के अब तक के हाई तक प्राइस रेंज टूल की मदद से देखे तो गाइस हमें 17% तक के टारगेट इस हाई के बाद देखने को मिल सकते हैं। अब स्टॉक में गाइस इस हाई के अब पर लॉन्ग पोजीशन टूल की मदद से अपने 17% के टारगेट देखो तो गाइस हमें 1320 रुपीस तक के लेवल आने वाले शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और जिसको यहाँ पर स्टॉक के गाइस अगर करंट प्राइस से लेकर देखे तो हमें जो टोटल टारगेट देखने को मिल सकता है ऊपर में 33% तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक में गाइस हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसमें काफी छोटा सा है गाइस, 3% के करीब बैठ रहा है, जो की गाइस 955 रुपीस का लेवल है, और यह देखे गाइस 4% के करीब बैठ रहा है। और यहाँ पर देखें हमारे फर्स्ट टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस काफी छोटा सा बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स, जल्दी हम स्टॉक में 1125 रुपीस के लेवल के ब्रेकआउट के बाद ऊपर में 1320 रुपीस तक के लेवल भी देखने को मिल सकते। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में छोटा सा एसएल लगाकर 4% का स्टॉक में आने वाले दिनों 13% से लेकर ऊपर में गाइस 33% तक के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाए सकती है। इसमें जो गाइस हमारी एनालिसिस आने वाले 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में यह लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अगर स्टॉक में इसके प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।